आप टेस्ट करना छोड़ दें, हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये हम कहते हैं कि ट्रंप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही सोच, एक ही मिजाज, एक ही तरीका। पाकिस्तानी ट्रंप है, उसने भी अमेरिकन ट्रंप के जो फलसफा है उस पर अमल करते हुए टेस्ट कम कर दिए। शौकत खानम के $3 मिलियन अली जैदी ने अपने अकाउंट में डलवाए। सईद घनी का दावा, वफाकी वजीर को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। हुकूमत ने जहांगीर तरीन को बैरून मुल्क फरार करवाया। एमकेएम हुकूमत की इत्तेहादी थी, सानिया बल्दिया की जीआईटी गायब कर दी गई। हमने जुल्फिकार मिर्जा का गन साफ करने की कोशिश की, टेस्ट कम कर दिया और दावा किया गया कोरोना पर काबू पा लिया। वजीर आजम को पाकिस्तान का ट्रंप कह दिया। कुछ लोग मौलाना फजल रहमान के धरने पर धावा बोलना चाहते थे। परवेज इलाही के समझाने पर इमरान खान ने फैसला मौखर किया। वजीर आजम से बात करने पर कोई तैयार नहीं था। सरबरा काफली चौधरी शुजात का इंकशाफ, कहा नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, मैंने कहा नतीजे अच्छे नहीं होंगे। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। मौलाना ने APC को भी मजाक और अपनी छेड़ बना लिया है। मशवरा है कि मौलाना मुसल्ला बिछाकर अगले 3 साल अपने सियासी और माली गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें। निजकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही। लॉकडाउन में बहुत कुछ बंद है, सब खुल गया तो क्या होगा। नेपरा का बरहमी का इजहार, चेयरमैन ने कहा आप हमें फेल कर रहे हैं, बिजली की तकसीम और पैदावार समय तमाम तफसील फराम करने का हुक्म दे दिया। कराची में बिजली के बाद गैस का बहरान, सिंध में 2 रोज के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए गए। दिन में गैस बंद, रात में बिजली नहीं, हुकूमत कहे तो फैक्ट्रियों की चाबियां के इलेक्ट्रिक और सुई सदन को दिए देते हैं। कराची में सनअतकारों की दुहाई। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, हमारा बिजनेस नहीं हो सकता, कारोबार सुकून से बैठ नहीं सकते। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब काइंडली इंटरवीन करें इस मसले पे, आप काइंडली कराची तशरीफ लाएं, इस पे आला सतह का इजलास रखें और ये मुस्तकिल बुनियादों पे हमें बिजली गैस का हमारा मसला कराची का खत्म किया जाए। इलेक्ट्रिक ने कराची को बहरे जुल्मात में डुबो दिया। 12 घंटे तक लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। विफाक से 800 मेगावाट बिजली, इजाफी तेल और गैस के बावजूद ना अहली की तारीख रकम कर दी। फनी खराबी के नाम पर आवाम की मुरम्मत, माहिरीन ने के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम बोसीदा करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के इलेक्ट्रिक से फवाइद लेती रही। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग जारी है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कल शार फैसल पर धरने का ऐलान। बातें नहीं हकाइक पर मबनी रिकॉर्ड दिखाना होगा। वजीर आजम ने हुकूमती कारकर्दगी जांचने का पैमाना वाजे कर दिया। ताखीरी हरबों पर कई अफसरान की सरजनिश भी की। वुजरा, मुशीर, मुआवनीन, सेक्रेटरीज को काम करके दिखाना होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग से मुतालिक कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी, उन्हें मंसूबे में रुकावटों से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा भी करेंगे, टिड्डी दल की सूरत हाल का बताया जाएगा। कोयटा की अदालत ने सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बच्ची के अगवा से मुतालिक केस में 24 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2,751 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 हो गई। 24 घंटे में 75 अफराद जां बहक हुए, तादाद 5,058 तक जा पहुंची।
कोरोना को रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला के हॉटस्पॉट एरियाज शामिल। इलाके 24 जुलाई तक सील किए गए हैं। कहीं सख्ती कहीं नरमी पर आवाम की तनकीद। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर ये जारी रहना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है एक साइड बंद कर दें और एक साइड खुली रहे, ये कोई लॉकडाउन नहीं है। माल लॉकडाउन ही होना चाहिए, लॉकडाउन मुकम्मल नहीं होना चाहिए। लाहौर के शुमाल में दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। वजीर आला ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। नए शहर का रकबा 1 लाख एकड़ से जायद होगा। निजी शोबे की जानब से 5,000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। हफ्ता हो गया हम इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आटा नहीं है इधर, हफ्ता हो गया तकरीबन, ना चीनी है ना आटा है। ना आटा है ना चीनी है ना घी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ स्टोर आते हैं आप वजीर तो कहते हैं कुछ शार्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहकाम धरे के धरे रह गए। चीनी सस्ती होने के बजाय मजीद महंगी हो गई। 90 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। आटे पर 400 रुपए तक इजाफा। यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब हो गया। लाहौर में सब्जी और चिकन के दाम भी बढ़ गए। हुकूमत तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। मुर्गी जो 200-150 में थी अब 300 की बातें कर रही है, 300 के ऊपर चली गई है। महंगाई जरा कम करनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले थोड़ा सा। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी, हम घर में दाल नहीं पका सकते। ने कराची को बहरे जुल्मात में डुबो दिया। 12 घंटे तक लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। विफाक से 800 मेगावाट बिजली, इजाफी तेल और गैस के बावजूद ना अहली की तारीख रकम कर दी। फनी खराबी के नाम पर आवाम की मुरम्मत, माहिरीन ने के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम बोसीदा करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पीटीआई के इलेक्ट्रिक से फवाइद लेती रही। ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग जारी है। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कल शार फैसल पर धरने का ऐलान। बातें नहीं हकाइक पर मबनी रिकॉर्ड दिखाना होगा। वजीर आजम ने हुकूमती कारकर्दगी जांचने का पैमाना वाज़ेह कर दिया। ताखीरी हरबों पर कई अफसरान की सरजनिश भी की। वज़रा, मुशीर, मुआवनीन, सेक्रेटरीज को काम करके दिखाना होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग से मुतालिक कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। उन्हें मंसूबे में रुकावटों से आगाह किया जाएगा। वजीर आजम नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा भी करेंगे। टिड्डी दल की सूरत हाल का बताया जाएगा। कोयटा की अदालत ने सेनेटर सरफराज बुगटी के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बच्ची के अगवा से मुतालिक केस में 24 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 2,751 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 हो गई। 24 घंटे में 75 अफराद जां बहक हुए। तादाद 5,058 तक जा पहुंची। कोरोना को रोकने के लिए लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला के हॉटस्पॉट एरियाज शामिल। इलाके 24 जुलाई तक सील किए गए हैं। कहीं सख्ती कहीं नरमी पर आवाम की तनकीद। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर ये जारी रहना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है एक साइड बंद कर दें और एक साइड खुली रहे, ये कोई लॉकडाउन नहीं है। माल लॉकडाउन ही होना चाहिए, लॉकडाउन मुकम्मल नहीं होना चाहिए। लाहौर के शुमाल में दुबई की तर्ज पर शहर बसाया जाएगा। वजीर आला ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी दे दी। नए शहर का रकबा 1 लाख एकड़ से जायद होगा। निजी शोबे की जानब से 5,000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के है। हफ्ता हो गया हम इधर आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आटा नहीं है इधर, हफ्ता हो गया तकरीबन, ना चीनी है ना आटा है। ना आटा है ना चीनी है ना घी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ स्टोर आते हैं आप वजीर तो कहते हैं कुछ शार्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती अहकाम धरे के धरे रह गए। चीनी सस्ती होने के बजाय मजीद महंगी हो गई। 90 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। आटे पर 400 रुपए तक इजाफा। यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा गायब हो गया। लाहौर में सब्जी और चिकन के दाम भी बढ़ गए।
हुकूमत तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रही। मुर्गी जो 200 150 200 में थी अब 300 की बातें कर रही है, 300 के ऊपर चली गई है। महंगाई जरा ना कम करनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले थोड़ा सा। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी, हम घर में दाल नहीं पका सकते।